हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल शो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर से चार्ज होगा। साथ ही इसके अंदर रिवर्स फॉरवर्ड सिस्टम भी है और लाइटिंग सिस्टम भी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार ये चीज बनने वाली है आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे पास काफ़ी पुराना स्क्रू ड्राइवर पड़ा था। और वैसे अगर आपके पास ये नहीं हो तब भी ये 70-80 रुपए में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। अगर बिट के साथ लेते हैं तो 120-130 रुपए में आपको मिल जाएगा। और ये बिट भी इसकी पुरानी है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये एक तरीके से इस स्क्रू ड्राइवर की शाफ्ट कनेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इस 300 RPM की गियर मोटर के शाफ्ट पर लगाएंगे। और ये जो गियर मोटर आप देख रहे हो बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स। और ये मार्केट से मैंने 130 रुपए में परचेज की थी, लोकल मार्केट से। ऑनलाइन हो सकता है थोड़ी महंगी मिले। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हम नाप के और यहाँ पर छेद करेंगे। बहुत ही इजीली इस शाफ्ट कनेक्टर के अंदर छेद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम छेद करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले गाइज, आज मैं आपको एक ऐसा गेमिंग ऐप विंजो के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने मनपसंद गेम्स कैरम, क्रिकेट, पोखर, रमी, क्यूज खेल के जीत सकते हो लाखों का इनाम। देखो यार कितने सारे गेम्स हैं यहाँ। और अगर आपको फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और फौजी जैसे गेम्स पसंद है तो इनके टूर्नामेंट भी अवेलेबल है, जो खेल के आप डेली 10,000 रुपए तक कमा सकते हो आसानी से। इस ऐप की सबसे मजेदार बात ये है कि आप ये सारे गेम्स अलग अलग एग्जिस्टिंग फॉर्मेट में खेल सकते हो, जैसे 1v1, ग्रुप मैच, टीम बना के एक दूसरे के सामने, जिसको वर्ल्ड वार कहा जाता है। इतना ही नहीं, आप अपने जीते हुए पैसे इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, UPI और बैंक अकाउंट में। और मिनिमम विड्रॉल अमाउंट सिर्फ 3 रुपए है। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड करो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आपको 50 रुपए का फ्री कैश बोनस भी मिलेगा खेलने के लिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, ड्रिल मशीन के द्वारा बिल्कुल इजीली यहाँ पर छेद निकल जाता है। और मोटर के शाफ्ट से इस छेद को मिलाने के लिए बाद में मैंने इस छेद को और ठीक किया था। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको सारी एक एक चीज़ बताता हूँ। और अब हम लेंगे इस प्रकार का PVC पाइप जो कि 1.5 इंच का है। और ये मैं 1.5 फुट का ही लेके आया था और 15 रुपये फुट था फ्रेंड्स ये। और बिल्कुल ईजिली आपको सैनिटरी वाली शॉप से मिल जाएगा। और इस तरह से सैंड पेपर से मैं इसको बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग कर लूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। और ये जो सैंड पेपर मैं यूज में ले रहा हूँ बिल्कुल बारीक सैंड पेपर है फ्रेंड्स। मैंने एक पाइप को लिया है 12 सेंटीमीटर और दूसरे पाइप को लिया है 13 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये इस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पर इस रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर को बनाने के लिए यहाँ पर हमें इस तरीके की बॉडी बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर घिस रहा हूँ और इस पाइप के अंदर इसको हमें घुसाना है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम किस तरह की शेप देते हैं। तो अब की बार मैंने मोटा वाला सैंड पेपर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर हम ये कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं, इस पाइप के द्वारा ही हमने इस पाइप की शेप चेंज कर दी है बीच में यहाँ पर सैंड पेपर लगा के। अब यहाँ पर मैं जो दूसरा वाला पाइप है ऊपर लगने वाला, उसको यहाँ पर मैं गोलाई दूंगा, अच्छी शेप दूंगा। तो यहाँ पर हम किस तरह की शेप देंगे वो आप देखिएगा। और ये देखिए, मैंने इस लकड़ी के ऊपर दोनों तरफ ये सैंड पेपर लगा रखे हैं, एक बारीक और एक मोटा। ये काफ़ी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो इससे भी बहुत ही इजीली काम हो जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला पाइप है जो नीचे की तरफ लगेगा, यानी जो 12 सेंटीमीटर वाला था, उसको भी हम इस तरह से शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने ये बॉडी बना ली है रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की। और यहाँ पर हम लगाएंगे फीमेल माइक्रो USB कनेक्टर, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है इसको चार्ज भी तो करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजिली तरीके से चार्ज हो जाएगा। आपको कोई भी अलग से चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मोबाइल के चार्जर के द्वारा ही इसे आसानी से चार्ज कर लोगे। और एक लेंगे हम यहाँ पर पुश स्विच जो कि यहाँ पर लगेगा, और ये लोकल मार्केट में 5-7 रुपए में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये 6 पिन स्लाइड स्विच लेंगे, और ये ऑफलाइन मार्केट में यानी लोकल मार्केट में आपको 5 रुपए में मिल जाएगा। और यहाँ पर एक लेंगे हम ये मोबाइल चार्जिंग मॉड्यूल जो कि आपको 40 रुपए के अंदर लोकल मार्केट यानी ऑफलाइन मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा।
और एक लेंगे हम इस प्रकार की 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी। ये रिचार्जेबल बैटरी मैंने लैपटॉप की खराब बैटरियों में से निकाली है, तो उसमें आपको कई सारी बैटरियां इस प्रकार की मिल जाएगी जो हमारे इस प्रकार के काम में तो आ सकती है, बाकी लैपटॉप के काम में दोबारा नहीं आ सकती। और एक हम लेंगे ये 3 पिन का स्लाइड स्विच, ये स्लाइड स्विच आपको 3 रुपए में मिल जाएगा। और एक हम लेंगे फीमेल माइक्रो USB कनेक्टर और ये आपको 7-8 रुपए में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम पुश स्विच के लिए छेद निकालेंगे और यहाँ पर हम पुश स्विच को इस तरीके से लगाएंगे और अब हम माइक्रो USB कनेक्टर के लिए यहाँ पर छेद करेंगे। तो यहाँ पर ये जो माइक्रो USB कनेक्टर है इस तरीके से लग जाएगा। यहाँ पर मैं पूरा इसको लगाऊंगा नहीं, अभी आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इसके अंदर वायरिंग करनी है। अब जो ऊपर वाली पाइप है उसके ऊपर यहाँ पर मैं 3 पिन स्लाइड स्विच के लिए जगह बना रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रिल मशीन के द्वारा छेद कर लेता हूँ और यहाँ पर कटर के द्वारा बिल्कुल इजीली मैं इसको अच्छे से शेप दे दूंगा स्विच के लिए। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए, तो आप लोगों का खूब उसमें प्यार और सपोर्ट मिला, तो यार उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी फ्रेंड्स ने फुल सपोर्ट के साथ कमेंट किए हैं और यार आप लोगों के काफ़ी कमेंट हो जाते हैं इसलिए मैं सबका जवाब नहीं दे पाता। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पुश स्विच को निकाल लिया था क्योंकि वहाँ पर ये टूटने का डर था। और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हम 6 पिन स्लाइड स्विच यहाँ पर लगाएंगे, तो इसके लिए भी यहाँ पर मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यार सबसे अच्छा तो तब लगता है जब आप मुझे हर वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में ये बताते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। जब आप लोगों में से 4-5 लोग भी मुझे एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं कि मुकेश भाई आप ये बनाओ फला चीज बनाओ, तो मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो लेके आता हूँ। और जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक कॉपर वायर लिया है और उसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं और इनको मैंने गियर मोटर के ऊपर जो प्लास्टिक की बॉडी है उसके ऊपर इस तरीके से फिक्स कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको 3.7 वोल्ट की जो रिचार्जेबल बैटरी है उसके द्वारा आपको चेक करवा रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार 12 वोल्ट की जो गियर मोटर है वो 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी से कैसे चल गई। और फ्रेंड्स सिर्फ चली नहीं, अगर आप इस मोटर की शाफ्ट को पकड़ भी लोगे तो आप इसे रोक नहीं सकते आसानी से, क्योंकि यार 3.7 वोल्ट की जो रिचार्जेबल बैटरी है उसके अंदर बहुत ही अच्छा एम्पियर आता है और किसी भी बैटरी के अंदर वोल्टेज ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो एम्पियर। तो यहाँ पर हमने गियर मोटर के ऊपर वायरिंग कर दी है, रेड वाला वायर पॉजिटिव के लिए और ब्लैक वाला वायर नेगेटिव के लिए। और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से इस पाइप के अंदर इस तरीके से फिक्स कर दिया है और फिर भी हम इसको इंस्टेंट ग्लू के द्वारा और अच्छे से चिपका देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो छेद हमने किया है ये इसलिए किया है कि जो नीचे वाला पाइप है उसके अंदर भी कुछ वायरिंग जा सके। और 3 पिन स्लाइड स्विच के लिए हमने जो जगह बनाई थी वहां से हम एक कॉपर वायर निकाल लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दोनों कॉपर वायर है जो मोटर के आगे जा रहे हैं ये LED के लिए हैं, यहाँ पर हम वाइट LED लगाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों रेड और ब्लैक वायर जो मोटर से यहाँ पर अटैच है उसको हमने नीचे की तरफ निकाल लिया है और एक कॉपर वायर को भी हमने नीचे की तरफ निकाल लिया है। अब 3 पिन स्लाइड स्विच की इस पिन पर हम कॉपर वायर इस तरीके से सोल्डरिंग कर देंगे। तो यार कोई भी वायर इस तरीके से मोटर के साथ पीछे की तरफ नहीं आता अगर मैं ये कॉपर वायर इस तरीके से यूज नहीं करता मोटर की बॉडी के साथ। अब जो हमने 6 पिन स्लाइड स्विच लिया था उसके ऊपर हम इस तरीके से क्रॉस कनेक्शन करेंगे बीच वाली दोनों पिनों को छोड़ के। और इस चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर जो इन माइनस और इन प्लस आप देख रहे हैं इसके ऊपर लगेगा ये माइक्रो USB कनेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पॉजिटिव की जगह रेड वाला वायर और नेगेटिव की जगह ब्लैक वाला वायर। वैसे तो चार्जिंग मॉड्यूल के अंदर ही फीमेल वाला माइक्रो USB कनेक्टर है लेकिन फिर भी हमने इसलिए अलग से लगाया है ताकि ये अलग से लगाया हुआ माइक्रो USB कनेक्टर इस बॉडी के अंदर अच्छे से फिक्स हो सके। अब 6 पिन स्लाइड स्विच की एक तरफ की जो दोनों पिने हैं उसके ऊपर मैं यहाँ पर वायरिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ये ऑरेंज वाला वायर दोनों पिनों पे कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से और अब हम इसे बॉडी के अंदर फिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार भाई के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले और साथ में नोटिफिकेशन के आल पे भी क्लिक कर ले। और अभी आपने देखा स्लाइड स्विच के ऊपर जो 2 ऑरेंज वायर हमने कनेक्ट किए थे उनके अंदर एक वायर पुश स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दिया है और पुश स्विच के दूसरी वाली पिन के ऊपर ब्लू वाला वायर हमने कनेक्ट कर दिया है। और वैसे फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं इसी वीडियो में इसका पूरा सर्किट डायग्राम दे दूंगा। और जो यहाँ पर मोटर के दोनों वायर आए हुए हैं रेड और ब्लैक वाले उनको मैंने 6 पिन स्लाइड स्विच के जो बीच वाली दोनों पिने हैं खाली वाली उनके ऊपर कनेक्ट कर दिया है। आप आपस में उल्टा सीधा कैसे भी कर सकते हैं, दोनों पिनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और सामने वाली LED को जलाने के लिए यहाँ पर जो 3 पिन स्लाइड स्विच हमने लगाया है वहाँ पर इस पिन से जो बीच वाली पिन है यहाँ से मैंने एक पीला वाला वायर कनेक्ट किया है
और ये देखिए स्लाइड स्विच को मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया है। बाद में इसको मैं अच्छे से और चिपका दूंगा। अब जो पुश स्विच से आया हुआ ब्लू वाला वायर है वो, और जो ये येलो वाला वायर आया था ऊपर वाले स्लाइड स्विच से यानी थ्री पिन स्लाइड स्विच से, उसको मैंने इस बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने वायरिंग इसीलिए अलग अलग कलर में ली है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब सिक्स पिन स्लाइड स्विच के ऊपर जो हमने दो ऑरेंज वायर कनेक्ट किए थे उनमें से एक वायर को हमने बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया है। साथ ही एलईडी के लिए सामने से जो एक कॉपर वायर बचा हुआ था उसको भी हमने बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया है। अब इस बैटरी से हमने दो वायर कनेक्ट कर रखे हैं, जो 3.7 वोल्ट की बैटरी है उससे एक रेड और एक ब्लैक, रेड वाला पॉजिटिव के लिए और ब्लैक वाला नेगेटिव के लिए। तो इनको मैंने चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर कनेक्ट कर दिया है बैटरी के बी प्लस और बी माइनस पे। तो फ्रेंड्स जैसे ही इस माइक्रो यूएसबी कनेक्टर के अंदर हम मोबाइल चार्जर लगाएंगे यहाँ पर हमारी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। इस रेड इंडिकेटर का मतलब है बैटरी चार्ज हो रही है, और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी यहाँ पर ब्लू इंडिकेटर जल जाएगा यानी इसके अंदर ब्लू एलईडी जल जाएगी। तो फ्रेंड्स वायरिंग हो गई है कम्प्लीट, और अब इस बैटरी और जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसको हम फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं इनको ग्लू स्टिक के द्वारा अच्छे से फिक्स कर देता हूँ, और जो चार्जिंग मॉड्यूल है उसको मैंने इस बॉडी के अंदर बिल्कुल सटा के लगाया है पास में, जो इसकी दोनों एलईडी है रेड और ब्लू वो बॉडी की टच में है बिल्कुल। और यहाँ से हम इसको इंस्टेंट ग्लू के द्वारा अच्छे से चिपका देंगे, साथ ही दोनों स्लाइड स्विच को भी हम इस प्रकार से इंस्टेंट ग्लू के द्वारा चिपका देंगे, और जो माइक्रो यूएसबी कनेक्टर है उसको भी हम इस तरीके से चिपका लेंगे। फ्रेंड्स इस पाइप के अंदर से हमने 13-14 सेंटीमीटर का एक और टुकड़ा कट किया था, इसको हमने बीच से कट कर लिया है, और अब हम इसको हीट गन के द्वारा सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आप गैस पे भी गर्म करके इसको सीधा कर सकते हैं। मैं पहले इन पाइपों को गैस पे गर्म करके ही सीधा किया करता था, हीट गन तो मैं अभी लेके आया हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सीधा कर लीजिएगा, और ये हम इसलिए कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर हम बना रहे हैं रिचार्जेबल वाला उसकी बाकी की जो बॉडी है उसको भी हम कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर मैं एक टुकड़ा ऐसे ही कट कर लेता हूँ इसके अंदर से, और ये मैंने आईडीए से ही कट किया है, और अब इसको भी हम गर्म कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से शेप बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर मैं ये देखिए इसकी कटिंग करूँगा, तो यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने इसको एक बार और गर्म किया है ताकि ये जो आकृति हमने बनाई है ये और अच्छे से बन जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको इंस्टेंट ग्लू के द्वारा आसानी से चिपका लेते हैं। इसी तरीके से जो पीछे की तरफ मुंह खुला है इसके लिए भी हम यहाँ पर एक आकृति बनाएंगे इस पीवीसी पाइप की। और चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको भी चिपका लेते हैं। और इस मोटर के लिए जो हमने शाफ्ट कनेक्टर तैयार किया था उसको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने एक लोहे का तार का टुकड़ा लिया है, और इसको मैं इस तरीके से कट करके यहाँ पर मैं इस टुकड़े को इस छेद के अंदर लगाऊंगा, और साथ में लगाऊंगा थोड़ी सी एम सील ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। अब इसी पाइप में से मैंने 7-8 mm का और पीस एक कट किया है, और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लगाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर ये जो प्लास्टिक के वेस्टेज पीस और पड़े थे उनमें से हम एक गोला इस तरीके से कट करेंगे। और इस पाइप के टुकड़े को भी हम यहाँ पर गर्म कर लेंगे ताकि ये यहाँ पर अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये पहले यहाँ पर नहीं आ रहा था, और गर्म करने के बाद में यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम इसको इंस्टेंट ग्लू के द्वारा चिपका देते हैं, और ये देखिए ये जो गोला है ये ऐसे लगेगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए छेद करेंगे और इसको भी हम गर्म कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके ये भी गोलाई वाली आकृति के अंदर ढल जाएगा।
फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो प्लास्टिक है ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर मुझे कपड़ा यूज करना पड़ा। और ये देखिए ये इस तरह की इसकी शेप बन गई है। और अब हम लेंगे यहाँ पर 5 mm की एक LED जो कि वाइट कलर की मैंने ली है, और इसको हम यहाँ पर आगे की तरफ लगाएंगे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर LED के लिए इस गोले के अंदर छेद कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये LED लग जाएगी बहुत ही ईजी तरीके से, और इसको हम इंस्टेंट ग्लू के द्वारा और अच्छे से चिपका देते हैं। और चलिए फ्रेंड्स अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर इसको नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से लगा लेंगे। यहाँ पर मैं जो आगे वाला स्विच है इसको ऑन करके चेक कर लिया था कि नेगेटिव कौन सा है इसका वायर और पॉजिटिव कौन सा है। फ्रेंड्स वैसे मैं इन सभी पार्ट्सों का ऑनलाइन लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चलिए अब ये जो ऊपर वाला पैनल है इसको भी हम चिपका लेते हैं। तो यार जो मैंने कॉस्ट बताई थी सभी पार्ट्सों की अगर वो जोड़ के देखी जाए तो ये रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर बहुत ही सस्ता हमारे पड़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सैंड पेपर के द्वारा इस तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये जो रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है कितना सुंदर बन गया है। और अब हम इसके अंदर ये जो पुरानी बिट हमारे पास पड़ी थी ये कोई सी भी इसके अंदर लगा सकते हैं, और वैसे भी कोई भी बिट जो मार्केट में उपलब्ध है वो भी हम लगा सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये बैटरी चार्ज होगी। हमने इसकी बॉडी के अंदर जो चार्जिंग मॉड्यूल लगाया था बैटरी चार्ज करने के लिए वो बिल्कुल पास में लगाया था सटा के, ताकि ये जो LED है ये जलती हुई नज़र आए कि कौन सा इंडिकेटर जल रहा है बैटरी चार्जिंग करने का या फिर बैटरी फुल चार्ज हो गई है उसका। आपको ये बिट थोड़ा सा आगे से डबलिंग करता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है ये जो साफ्ट कनेक्टर हमने लिया था ये थोड़ा सा पहले से ही डैमेज था आगे के मुँह के पास से आप देखिएगा। और वैसे तो मैं आगे वीडियो के अंदर इस साफ्ट को सही करके और आपको फिर से चेक करके बताऊंगा। और वैसे मुझे स्क्रू खोलने में और बंद करने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही है। और ये देखिए फुल ये कस गया है। इसको ऊपर करने से रिवर्स और नीचे करने से फॉरवर्ड, और जैसे ही हम पुश स्विच को दबाएंगे रिवर्स फॉरवर्ड के लिए ये मोटर काम करेगी। और जो ऊपर स्विच लगा हुआ है वो LED के लिए है, तो वो भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर ये जितने भी बिट्स है ये सारी इसके अंदर बिल्कुल आसानी से काम आ जाएगी। और अभी रात का समय है और मैं लाइट को बंद कर देता हूँ, और जो हमारा रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ ऊपर वाले स्विच के द्वारा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक बोर्ड को खोलते हैं और वापस बंद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये अंधेरे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये मोबाइल चार्जर हमने लगाया है और बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसके अंदर कुछ डिज़ाइन बना लेता हूँ। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप मत बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, और इसके साफ्ट कनेक्टर को भी हमने अच्छे से सेट कर दिया है। और अब आप देखिएगा किस तरीके से ये वर्किंग करता है। देखिए फ्रेंड्स कितना स्मूथली ये चल रहा है, बिल्कुल सीधा। ये देखिए रिवर्स और ये फॉरवर्ड, और ये देखिए ऊपर वाले स्लाइड स्विच के द्वारा LED जल गई है। ठीक है, तो ये हो गया लाइटिंग सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये गियर मोटर है, ये पुश स्विच है, ये 6-pin स्लाइडर स्विच है, और ये LED है, और ये 3-pin स्लाइड स्विच है, और यहाँ पर ये 3.7 volt की बैटरी है, और ये देखिए ये चार्जिंग मॉड्यूल है, और ये माइक्रो USB कनेक्टर है। तो यहाँ पर सारी वायरिंग की हुई है और बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यार फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।